क्या T20 फॉर्मेट में संजू सैमसन के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन आ चुकी है, क्योंकि ऋषभ पंत बतौर विकेट कीपर यहाँ पर खेल रहे हैं, विकेट के आगे और उनके पीछे परफॉर्मेंस जो है वो संजू से तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत की बेहतरी नजर आती है। अब अगर टीनू योहानन की बात करी जाए, जो केरला से पहले क्रिकेटर बने जिन्होंने इंडियन टीम में जो है वो डेब्यू किया था, उनका ऐसा मानना है कि 10 साल पहले जो है वो डेब्यू किया था संजू सैमसन ने, लेकिन उसके बाद उन्हें अब तक जो है वो उतने चांसेस नहीं मिले जितने चांसेस मिलने चाहिए थे। तो हम एनालिसिस करके आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि संजू को जितने चांसेस मिले उनकी उसमें परफॉर्मेंस कैसी रही है। अब श्रीलंका के खिलाफ उन्हें जो है वो बतौर ओपनर उतारा गया, पहली बॉल पर वो बोल्ड हो गए। अब इसको लेकर भी जो है वो टीनू योहानन का ये कहना है कि प्रेशर में थे संजू सैमसन। अब प्रेशर की जहां तक बात है तो टीम इंडिया में जो अगर आप देखेंगे तो ओपनर को लेकर स्पॉट एक है, तो दावेदार 3 से लेकर 4 हैं, तो अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें बैक करने की जरूरत है। अब क्या सूर्य कुमार यादव और गंभीर बैक करेंगे ये भी हम आगे एनालिसिस करके आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि तनवीर अहमद पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं और इनका कहना है कि भाई आओ तो सही एक दफा, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बार बार इंडिया को बुला रहा है। और आपको अगली अपडेट दे दें कि मोर्ने मोरकिल जो है वो इंडिया के बॉलिंग कोच बन सकते हैं। इंडिया जो है वो सितंबर में खेलेगा बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज, यहाँ पर वो अपना कार्यभार संभालेंगे। वीवीएस लक्ष्मण जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स के कोच बन सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं। और ईशान किशन को लेकर बासित अली ने कहा कि थोड़ा फैशन में निकल गए थे ईशान किशन। वापस बैक टू द स्टोरी आते हैं, संजू सैमसन की बात करते हैं। उन्होंने जो है वो जुलाई 19, 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया था और तब से लेकर आप जो है वो देख रहे हैं कि कितने मैच वो T20 खेल चुके हैं। 29 T20 मैच खेले हैं और 16 जो है वो ODI मैच खेले हैं। अब ऋषभ पंत की बात करी जाए, 2017 में वो अपना डेब्यू करते हैं फरवरी 1 को इंग्लैंड के खिलाफ और तब से लेकर 76 T20 आए जो है वो खेल चुके हैं पंत। 30 ODI खेले हैं और 33 टेस्ट मैच खेले हैं। जहां तक संजू सैमसन की बात है तो T20 इंटरनेशनल में उन्होंने अब तक जो मेमोरेबल पारी खेली है वो 77 रन की खेली है। आयरलैंड के खिलाफ ये पिछले साल आई थी और 42 बॉलों में उन्होंने डबलिन में ये अपना बेस्ट स्कोर किया था। अब टीनू योहानन जो है वो IPL को लेकर भी कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि राजस्थान रॉयल्स में उनका क्या रोल है वो उन्हें पता है, लेकिन टीम इंडिया में उनका क्या रोल है उन्हें अभी तक नहीं पता चला है, क्योंकि डिफरेंट पोजीशंस में पंत भी बैटिंग करते हुए नजर आए और संजू भी बैटिंग करते हुए नजर आए हैं। अब जहां तक संजू की बात है तो आपको बता दें कि उनका जो एवरेज है वो लगभग 20 के आसपास, स्ट्राइक रेट 132 और 29 उन्हें जो है वो अब तक मैच खेलने का मौका मिला था। करंट अपडेटेड जो स्टैट्स है वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और जहां तक IPL की बात है तो 2024 में जब IPL शुरू हुआ था और IPL जब खत्म हुआ था तो लगातार पंत वर्सेस संजू की डिबेट यहां पर भी चल रही थी। तो आपको बता दें कि 153 का स्ट्राइक रेट था, 48 का एवरेज था, 531 रन जो है वो संजू सैमसन ने बनाए थे और दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। हालांकि तब संजू फॉर्म में थे लेकिन प्रैक्टिस मैच में खेलते हैं और यहां पर फॉर्म में नजर नहीं आते हैं, फिर पंत को जो है वो पिक कर लिया जाता है। अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज की बात करी जाए तो उसमें ठीक ठाक जो है वो संजू का परफॉर्मेंस रहता है। और वापस इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज पे आते हैं तो देखिए उन्हें जो है वो मौका मिलता है और तब इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। 8 ओवर में लगभग 80 रन बनाने होते हैं, जसवाल एक छोर से रन बना रहे होते हैं, तो बड़े आराम से जो है वो संजू सिर्फ टिके रहते, तो कहीं ना कहीं उनको लेकर ये कहा जाता कि भाई ये प्लेयर जो है वो आने वाले मैचेस में भी मौका पाने लायक है। लेकिन सवाल अब लास्ट में वही आता है कि क्या जो गौतम गंभीर हैं और क्या सूर्य कुमार यादव हैं वो संजू को मौका देंगे, क्योंकि बतौर रिजर्व विकेट कीपर और भी खिलाड़ी लाइन में ध्रुव जुरेल का नाम बार बार जो है वो आगे आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, संजू को और मौके मिलने चाहिए या फिर नहीं? और संजू को अगर मौके नहीं मिलने चाहिए तो अगला विकेट कीपर ऋषभ पंत के अलावा कौन हो सकता है? आप जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। स्टोरी आपको अच्छी लगी तो शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।